पाइपर अल्फा एक ऑयल प्लेटफॉर्म था जो स्कॉटलैंड के एबरडीन से लगभग 190 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में उत्तरी सागर में स्थित था। इसे ऑक्सीडेंटल पेट्रोलियम कैलेडोनिया लिमिटेड द्वारा संचालित किया गया था और 1976 में इसका प्रोडक्शन शुरू हुआ था। यह शुरुआत में केवल ऑयल प्लेटफॉर्म के रूप में जाना जाता था, लेकिन बाद में इसे गैस प्रोडक्शन में शामिल किया गया। 6 जुलाई 1988 को पाइपर अल्फा में एक विस्फोट हुआ जिससे यह डूब गया और 165 लोगों की मौत हो गई। इस दुर्घटना के साथ साथ दो अन्य बचावकर्मी भी मारे गए थे जो मलबे में फंस गए थे। पूरी घटना में 167 लोगों की मौत हुई। इस वाकयात के दौरान पाइपर अल्फा ऑयल रिग पूरी तरह से नष्ट हो गई। इसके पश्चात यह दुनिया की वर्स्ट ऑफशोर ऑयल डिजास्टर के रूप में जानी जाती है। इस वाकयात ने ऑक्सीडेंटल को इनएडिक्वेट मेंटेनेंस एंड सेफ्टी प्रोसीजर्स के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, जो बाद में सुधारों का कारण बना। इस वाकयात से कंपनी को होने वाला लॉस बहुत बढ़ा था, तकरीबन $2 बिलियन था। पाइपर अल्फा ऑयल रिग का निर्माण $2.4 अरब की लागत से 1976 में पूरा हुआ था। इसमें 4 मेन पार्ट्स थे, जैसे कि कंट्रोल हेडक्वार्टर्स, कैंपस और 3 कंजर्वेशन एरियाज। प्लेटफॉर्म की ऊंचाई करीब 155 मीटर थी और इसमें डिफरेंट फैसिलिटीज शामिल थी, जैसे कि एग्जीक्यूटिव रूम्स, रेजिडेंशियल एरियाज, किचन्स, बाथरूम्स, मेडिकल फैसिलिटीज, मटेरियल हैंडलिंग फैसिलिटीज, पावर जनरेशन और अन्य कमर्शियल फैसिलिटीज। प्लेटफॉर्म में कई तरह के इंजन, जनरेटर्स, पंप्स, केमिकल इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज, साउंड एंड हीट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, कंट्रोल रूम, लंच रूम और अन्य उपकरण स्थापित थे। यह एक सुरक्षित और रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर थी जो लगभग 176 कर्मियों को निवास और काम के लिए जगह प्रदान करती थी। पाइपर अल्फा ऑयल रिग डिजास्टर रीजन ढूंढने के लिए कई तरीकों को अपनाया गया। एविडेंस कलेक्शन। इन्वेस्टिगेटर्स ने पाइपर अल्फा ऑयल रिग के रिलेटेड मौजूदा एविडेंसेस कलेक्ट किए। इसमें व्यूअर्स ऑब्जर्वेशन, मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स, ऑपरेशन डेटा, डिजाइन निर्देशिका और अन्य दस्तावेजों का समावेश था। साइट टेस्ट। दुर्घटना स्थल को बारीकी से जांचा गया था ताकि फिजिकल इकट्ठा किया जा सके। इसमें प्लेटफॉर्म के अवशेषों का अध्ययन करना, आग के क्षति का विश्लेषण करना और आग के उत्पन्न होने या गैस लीकेज के संभावित सोर्स की पहचान करना शामिल था। मेथड एनालिसिस। एक्सपर्ट्स ने इकट्ठे एविडेंस के विवेचन किया। उन्होंने सभी अवशेषों का अध्ययन किया, डैमेज पैटर्न की पहचान की और विधि तकनीकों का उपयोग करके विस्फोट और उसके पश्चात आग के कारण निर्धारित किया। टेस्टिंग ऑफ एविडेंस एंड स्टेटमेंट्स। इन्वेस्टिगेटर्स ने बचाव पाने वालों, विटनेसेस और प्लेटफॉर्म के संचालन और मेंटेनेंस में शामिल वर्कर्स के साथ साक्षात्कार किए गए। ये साक्षात्कार घटना के पहले घटनाओं के बारे में सीधी जानकारी और अंदरूनी दृष्टिकोण प्रदान करने में मदद करते थे। 6 जुलाई 1988 को पाइपर अल्फा आपदा एक विनाशकारी घटना थी जो उत्तरी सागर में सामने आई थी। दोपहर 12 बजे पाइपर अल्फा पर दो कंडेंसेट पंप ए और बी काम कर रहे थे। पंप ए के प्रेशर सेफ्टी वाल्व को रूटीन मेंटेनेंस के लिए हटा दिया गया था और अस्थायी रूप से डिस्क कवर के साथ सील कर दिया गया था। हालांकि डे शिफ्ट समाप्त होने पर शाम 6 बजे तक काम पूरा नहीं हुआ था। पंप ए की कंडीशन के बारे में ऑन ड्यूटी संरक्षक को सूचित नहीं किया गया था और पंप को चालू नहीं किया जाना चाहिए, यह बताने वाला परमिट गलत तरीके से दिया गया था। संयोगवश पंप ए के जनरल ओवरहॉल के लिए एक और परमिट जारी किया गया था। शाम 7 बजे अग्निशमन प्रणाली को मैन्युअल रूप से कंट्रोल्ड किया गया था और यदि वर्कर्स पास में काम नहीं कर रहे थे तो पंपों को स्वचालित मोड में रखने की सिफारिश को लागू नहीं किया गया था। रात 9:45 बजे मीथेन क्लैथरेट के कारण हुई रुकावट के कारण पंप भी बंद हो गया और पंप ए को शुरू करने के प्रयास किए गए। दुर्भाग्य से रूटीन मेंटेनेंस के लिए निकाला गया सेफ्टी वाल्व पर किसी का ध्यान नहीं गया और पंप ए को फिर से शुरू किया गया। रात 9:55 बजे पहला विस्फोट तब हुआ जब प्रेशर सेफ्टी वाल्व फ्लैंज से गैस लीक हो गई, जिससे सेफ्टी वाल्व गायब होने के कारण अत्यधिक दबाव पैदा हो गया। विस्फोट ने कंट्रोल रूम को नष्ट कर दिया और घटनाओं की एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू कर दी। 10:04 अपराह्न तक कंट्रोल रूम को छोड़ दिया गया था और 1 मई दिवस कॉल जारी किया गया था। प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन विघटित हो गया और किसी भी अलार्म ने वर्कर्स को आने वाली आपदा की चेतावनी नहीं दी। जैसे ही आग की लपटों ने प्लेटफॉर्म को अपनी चपेट में ले लिया, क्रूड ऑयल स्टोरेज टैंक रात 10:06 बजे फट गए, जिससे क्षेत्र में बाढ़ आ गई और धुएं का काला गुबार बन गया। जलता हुआ तेल निचले प्लेटफॉर्म पर टपक गया, जिससे आग तेज हो गई। रात 10:20 बजे जलते हुए तेल की गर्मी के कारण टार्टन पाइपलाइन हिंसक रूप से फट गई, जिससे इसकी ज्वलनशील सामग्री निकल गई और एक विशाल आग के गोले में बदल गई। विनाश रात 10:50 बजे जारी रहा जब MCP-01 पाइपलाइन विफल हो गई और विस्फोट हो गया, जिससे हवा में आग की लपटें उठने लगी। थारोस वेसल्स ने अग्निशमन और बचाव कार्यों का प्रयास किया। रात 11:18 बजे क्लेमोर गैस लाइन टूट गई और पाइपर अल्फा पर भीषण आग लग गई। तेज गर्मी से प्लेटफॉर्म की स्टील संरचना पिघलने लगी।
अगले 80 मिनट के दौरान प्लेटफॉर्म भीषण आग की चपेट में आ गया, जिसके परिणामस्वरूप कई लोगों की जान चली गई और बहुतांशा नुकसान हुआ। पाइपर अल्फा आपदा इतिहास में सबसे घातक अपतटीय तेल रिग दुर्घटनाओं में से एक बनी हुई है, जो ऐसे वातावरण में सुरक्षा उपायों और उचित आपातकालीन प्रोटोकॉल के महत्व की एक दुखद याद दिलाती है। अगले वीडियो में हम पाइपर अल्फा आपदा के बचाव और परिणाम के बारे में गहराई से जानेंगे।